Good morning, students. Today, we are going to start with chapter number three, and today's topic is uses of flowers. So, my dear students, in our day to day life, we use flowers in different ways. Some flowers have very pleasant fragrance, these are used for making perfumes, as you can see the pictures of kyoda and lavender here these are the flowers which are having very nice fragrance and that is why they are used to make uh, perfumes and rose is also one, one of the example jasmine is also one of the example so rose jasmine kewra and lavender these are the flowers which are used to make perfumes then some flowers can be cooked and eaten like a vegetable and as you can see here the flower of kachnar बनाना एंड सहजन दीज थ्री फ्लावर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज फ्लार्स विच कैन बी कु एंड इटर्न एज अ वेजिटेबल देन यू कैन सी योर सम फ्लावर्स आर यूज एज मेडिसन्स इफ़ यू टॉक अबाउट मेडिसन्स टू क्लोव क्लोव जो हैं वो आपका ड्राइड फ्लावर है आप पहले पिक्चर जो यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर बेटा ये है लॉन्ग लौंग को बोलते हैं हम क्लोव्स तो ये क्लोव्स जो होते हैं दीज आर द ड्राइड फ्लास बर्ड्स फ्रॉम द क्लोव प्लांट तो द ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोव्स इन क्लोव्स की हेल्प से जो ऑयल बनता है वो एज अ मेडिसिन यूज होता है जैसे आपको दांत में दर्द होती है तो लौंग का तेल लगाते हैं आपने किचन में आज मम्मा से लौंग देखनी है लौंग मतलब क्लोव्स देखनी है वो वहाँ पे आपको इस तरह की नहीं दिखेंगी जैसी यहाँ पर दिख रही हैं पहले पिक्चर में वो आपको दिखेंगी बिल्कुल ब्लैक ड्राइड होती हैं सूखा हुआ उसको सूखा देते हैं ठीक है देन यू कैन सी हियर द सेकंड पिक्चर दिस इज आर्निका फ्लावर तो uh, एक लोशन प्रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ दिस आर्निका फ्लार एंड विच इज़ यूज टू क्योर वन्स एंड इंजरीज मतलब आपको चोट लग जाती है तो ये आरने का फ्लावर से एक लोशन बनता है अगर हम वो लगाते हैं दैट मीन्स इट इज़ हैविंग एंटीसेप्टिक वैल्यूज़ ओके एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर थर्ड एग्जाम्पल रोज तो रोज वाटर इज़ यूज एज अ मेडिसिन एंड ऑल्सो फॉर एडिंग फ्लेवर टू स्वीट्स एंड ड्रिंक्स रोज वाटर वाला हम uh, अब ड्रिंक गर्मियों में जनरली पीते हैं तो आर द Now, the next one is uh, the sunflowers are used in preparing cosmetics. So, as you can see here, uh, five, six uh, flowers are mentioned here like hibiscus, lotus, and lavender. They are used to make. कॉस्मेटिक्स मतलब आपकी जनरली जो लिपस्टिक्स बन रही हैं तो उसमें ये इस तरह की चीज़ें या क्रीम्स बन रही हैं लोशंस बन रहे हैं तो ये फ्लावर्स उसमें यूज़ होते हैं आफ्टर दैट मैरी गोल्ड एंड जेनिया दीज आर द फ्लार्स विच आर यूज फॉर मेकिंग कलर्स होली के रंग भी बनते हैं इनसे तो दीज कलर्स आर यूज टू डाई क्लोथ्स तो कपड़ों को रंगने के लिए जो डाई बनती है वो भी Uh, इन्हीं फ्लावर्स से बनती है तो फ्लावर्स आर नेक्स्ट वन इज़ जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं आपने देखा है शादी होती है कोई घर में कोई फंक्शन होता है तो जनरली वहाँ पर फूलों की डेकोरेशन होती है तो सबसे बड़ा पर्पस जो हम लोगों की डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं फ्लावर्स दे आर यूज़ इन डेकोरेशन्स ओके एंड वन और टू फेक्ट्स ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर हेयर फ्लार्स ऑफ बैम्बू बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं क्यों, क्यों मिलते हैं रेयरली बिकॉज ये जो बैम्बू uh, का ट्री जब सिक्सटी फाइव से वन ट्वेंटी ईयर्स तक का हो जाता है तब जाके इसमें एक बार फ्लारिंग आती है एंड ऐसा भी कहा जाता है कि आफ्टर दैट फ्लारिंग जो होता है प्लांट uh, जो होता है बैम्बू का वो मर जाता है एंड वन मोर थिंग वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर हेयर लाइक ब्रोकली ब्रोकली इज ऑफ Flour. we are eating is uh, eating it as a vegetable but it is a flower so my dear students uh, one activity is given on the page number 18 so you will all do this activity in, on page number 18 and um, uh, as you can see, that flowers are used to prepare medicines, perfumes, scents, and uh, in decoration also we are using flowers. So it is very important. We should protect flowers, and we should not pluck flowers unnecessarily. Thank you.